हे गाइस, हम कौशल बगल से ना दो। आज के वीडियो में हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारी ज्योग्राफी, जो वो मोस्ट डिमांडेड चीज़ थी हमारे इस चैनल की। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चैप्टर वन या फिर चैप्टर फोर कह लो तो अपनी बुक के हिसाब से, बिकॉज पहला टोपोग्राफी है, उसके बाद मैप्स वाले हैं एंड मेन चैप्टर जो तुम्हारा थ्योरी चैप्टर हम कह रहे हैं, जो बोरिंग चैप्टर जो हम कहते हैं, क्योंकि टोपोग्राफी तो बंदा प्रैक्टिस करके करके आ जाता है। मैप्स का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है, बार बार बना के देखने पड़ेंगे। लेकिन जो ये थ्योरी चैप्टर्स हैं, ये नहीं भैया याद होते, ये नहीं समझ आते, ये नहीं पल्ले पड़ते, मतलब इतना बेसिक लॉजिक होता है, इतना बोरिंग होता है कि हम लगते हैं यार क्या इतने भारी भारी शब्द लिख दिए, कुछ नहीं समझ आ रहा। सो उसी दिक्कत को आज की वीडियो में खत्म करेंगे, या फिर आज की वीडियो में मैं कहूँ कि स्टार्ट करेंगे खत्म करना, राइट, ठीक है, धीरे धीरे खत्म होगा ना सारे चैप्टर्स करा के, देखते कितने चैप्टर्स हो पाते हैं। एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ के लिए डिस्क्लेमर, ये जो इंडिया का मैंने मैप बनाया है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली माई ड्राॅइंग इज इंट दैट गुड, बट नो डिसरिस्पेक्ट, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि मैंने कहीं से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा कुछ भी कर दिया दिस, ठीक है, जितना ही ये तुम्हारा इंडिया उतना ही मेरा इंडिया, तो मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता था, तो थोड़ा जरा मेरा हाथ तंग है ड्राॅइंग में, समझ लेना। एनीवेज, आज के हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर के से। अब ऑफ का मतलब तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ऑफ क्या चीज़ है, ऑफ एक अंग्रेजी का शब्द है, और अंग्रेजी की क्लास से लेने लग गया तो तुम्हारे पूरा पेपरों तक अंग्रेजी ही चलेगी और कुछ नहीं करा पाऊंगा। सो दैट इज वाई मैं ए ऑफ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, क्लाइमेट को और इंडिया को। देखो इंडिया को एक्सप्लेन क्या करना है, दिस इज इंडिया, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो लग रहा है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई और देश ही बना दिया, इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया के क्लाइमेट के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ना, सिंपल, इंडिया में हम रहते हैं, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना क्या दिक्कत है, हम बाहर देख के बता देंगे क्या क्लाइमेट है। क्लाइमेट क्या होता है, सी क्लाइमेट जो है ना, ये शब्द है क्लाइमेट, ये वो नहीं है कि मौसम, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्लाइमेट इज एंड मौसम, वो मॉनसून है, बट चलो क्लाइमेट इज के भाई लोकल टर्म में हम बोलें, ठीक है, मौसम है क्या है ऐसा, पर वेदर होता है कि एक दिन का मौसम, क्लाइमेट होता है एक पूरा, मतलब काफ़ी सालों से रिसर्च करके पता लगा कि इस जगह का क्या क्लाइमेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ कि आज मेरे एरिया में, ठीक है, परसों तो 4-5 दिन पहले बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, आज धूप निकली हुई थी, पूरा ऐसा सीन था, ठीक है, कल फिर में भी बारिश हो रही है, ये इतना जल्दी जो सडन चेंजेस हो रही हैं, ये क्या चीज़ है, दिस इज नॉट समथिंग के भाई मतलब बहुत चेंजेस हो रहे हैं और ऐसा कुछ हो गया, ये सिंपल वेदर है, क्लाइमेट में चेंज नहीं है, वेदर में चेंज है। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि भैया मेरे एरिया में जो जुलाई है इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है एंड उसके बाद पूरा मोस्टली साल ड्राई रहता है, ठीक है, जो सर्दी है वो दिसंबर जनवरी में होती है, बाकी साल ऐसा, ऐसी चीज़ें, वो क्या है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट इज वॉट, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म जो टेम्परेचर हम पढ़ते हैं एक एरिया का, उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब चीज़ें आती हैं बहुत सालों की रिसर्च से, समझ गए, इतना आई होप क्लियर है, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया मतलब क्या, बेसिक सा, ये कुछ ऐसा नहीं कि डेफिनेशन तुम्हारे 10 नंबर की आ जाएगी या 5 नंबर की आ जाएगी, वैसे तो 1 नंबर की भी नहीं आएगी, बट हमें पता होना चाहिए, आई होप तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। वेरिएशंस इन क्लाइमेट, अब वेरिएशंस का मतलब क्या भैया, क्या क्या चेंजेस हैं, ये इंडिया वैसे तो देखो अब कोई छोटी कंट्री होती, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक चीज़ ईजी होती कि भैया हम ये देख लेते हैं मैप में, अच्छा ये यहाँ पे है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के आसपास कितना है, इक्वेटर के कितना पास है, उस हिसाब से हम समझ लेते हैं कि अच्छा ये टेम्परेचर इस देश का, बात खत्म, एक चैप्टर या 2 पेज का चैप्टर नहीं होना था। लेकिन इंडिया है बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं एक एरिया का टेम्परेचर स्टडी कर लिया वो पूरे देश पर लागू होगा, नहीं। सो वही चीज़, वेरिएशंस कितनी है क्लाइमेट पे, अगर मैं गुजरात का टेम्परेचर देख रहा हूँ, गुजरात का क्लाइमेट देख रहा हूँ, तो दैट इजेंट इक्वल टू इंडिया का टेम्परेचर, इंडिया का क्लाइमेट, नहीं, बहुत वेरिएशंस है, गुजरात और कश्मीर और जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु, बहुत फर्क है, राइट, सेम तो नहीं है। तो वही चीज़ वेरिएशंस। अब वेरिएशंस किस किस वे में हम पढ़ सकते हैं, पहला टेम्परेचर और दूसरा रेनफॉल। टेम्परेचर भैया क्या, टेम्परेचर मतलब यही जो हम पढ़ते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये सबसे पहले एक चीज़ हमें जाननी होगी, जो कुछ ऐसे निकलेगी, यहाँ पे कुछ 23 डिग्री होगा, ठीक है, 23.5 डिग्री आई गेस। तो ये क्या चीज़ है, अब ये क्या चीज़ है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे इंडिया से पास ऑन करती है, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, मैंने थोड़ा ऐसे सीधी बना दी ज़्यादा, तुम थोड़ा ऐसे बनाना, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती बट समझ रहे हो, फील समझ रहे हो। अब ये चीज़ क्या करती है, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, देखो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ये इतना ऊपर होगी नहीं, मतलब यहाँ से, ठीक है, बट ये थोड़ा सा ऐसे बना, ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स, इसे हम नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, इसे सदर्न पार्ट कहते हैं। अगर तुम्हें डायरेक्शंस का नहीं पता तो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है, इनका हम काफ़ी यूज़ करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है, समझने में। अब टेम्परेचर से भैया क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया जो है ना ये यहाँ पे
37 डिग्री नॉर्थ से लेके 8 डिग्री नॉर्थ तक घूमती है, इतना वेरी करती है। तो इसमें टेम्परेचर भी ऑब्वियसली चेंज होगा। अब गर्मियों का ही टेम्परेचर ले लो, गर्मियों में राजस्थान में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाएगा, कई बार 52 तक चला जाएगा। वही अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो तुम्हारे बिल्कुल ऊपर लद्दाख वाला एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, जैसे द्रास एंड कारगिल। अब इसमें यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, बहुत लो रहता है, ठीक है। यहाँ पे 50 डिग्री होगा, यहाँ पे -20 डिग्री, 30 डिग्री, कई बार -40 डिग्री तक चला जाएगा। तो तुम कहोगे भैया ये क्या हो रहा है, यही तो है फिर वेरिएशंस, ठीक है। ऐसा नहीं है गर्मियाँ मतलब गर्मियाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इंडिया में वो चीज़ नहीं है। कोई छोटी सी कंट्री है, आप मान लें गर्मियाँ मतलब गर्मियाँ, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी कंट्री का मुझे एग्जाम्पल दो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिमाग में आ रही है, पर ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी छोटी कंट्री, काफ़ी छोटी कंट्रीज होंगी, ठीक है, मतलब तुम लगा लो इतनी कंट्रीज होंगी ग्लोब में, वो कंट्रीज़ का तो टेम्परेचर आराम से फाइंड किया जा सकता है, टेम्परेचर कह लो तुम, कुछ भी क्लाइमेट कह लो, ठीक है। दूसरा रेनफॉल के ऊपर आता है, अब तुम कहोगे भैया टेम्परेचर रेनफॉल बस इतना इतना ही पढ़ना, नहीं अभी पूरा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेनफॉल भी देखो ऐसा है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों है, अब वो फैक्टर्स हम अगले पॉइंट में पढ़ते हैं, तुम टेंशन ना लो। लेकिन जैसे यहाँ पे जनरली बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट पे जनरली बारिश ज़्यादा होती है कंपेयर टू दिस कॉस्ट, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे बारिश होगी कंपैरिजन में अगर हम देखें ज़्यादा कम किस में हो रही, गर्मियों में, सर्दियों में इधर होगी इधर नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट्स आएंगे, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है, उसके इधर इधर बारिश होगी इधर नहीं होगी। हम पूरे इंडिया का छोड़ो, हम इतने एरिया में तुम्हें बता सकते हैं कितनी वेरिएशन है बारिश में, ठीक है। लेट्स से ये जो इधर वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब जो ये इधर राजस्थान होगा, राजस्थान का जो इधर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट मतलब पाकिस्तान वाली साइड वाला पार्ट, पाकिस्तान वाली साइड मतलब कि वेस्टर्न साइड वाला पार्ट, उधर बारिश बहुत कम होएगी कंपैरिजन में अगर हम उधर वाला पार्ट लें। इधर उल्टा था, इधर जितना बाहर उतनी बारिश ज़्यादा, ठीक है, ऑब्वियसली जितना वेस्ट में उतनी बारिश ज़्यादा, इधर उल्टा हो गया, जितना वेस्ट में उतनी बारिश कम। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये भी हम कहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, ठीक है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, या फिर हम कहें क्लाइमेट को, बहुत फैक्टर्स हैं, बट मेनली जो हमें पढ़ने हैं, मेनली हमारे सिलेबस में मेनली यही सबसे बाकी निकल आते हैं, यही सबसे बाकी निकल आते हैं। क्या सबसे पहले लोकेशन, इंडिया इतना बड़ा है, ठीक है, इसकी कौन सी जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर बहुत ग्रेटली इफेक्ट होगा, लोकेशन क्या है उसकी। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो प्रोबेबली यहां पर जो है अलग टेम्परेचर है, नीचे अलग। मैंने कहा ना ये डिवाइड करता है, डिवाइड करने का मतलब क्या कि इसके ऊपर अलग चीज होती है, बिल्कुल ये नहीं कि यहां पे और यहां पे बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। जनरली इसके ऊपर अलग वेदर, अलग क्लाइमेट, नीचे अलग। क्यों? क्योंकि इधर सी है, देखो तीनों साइड से घिरा हुआ है, इधर इंडियन ओशन वगैरह है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे वो भी है ना श्रीलंका, मैंने बनाया नहीं, वैसे इंडिया का मैम में ज़रूरी भी नहीं है, एनीवेज, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर अलग आएगा, क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज जो भी होता है, इधर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिवर्स होंगी, ठीक है, वो बात अलग है, बट यहाँ पे कोई तुम्हें यहाँ पे वाटर बॉडी दिख रही है बड़ी, वैसे तो मैंने बनाई नहीं, बट इधर है इधर नहीं है। व्हाट डज द स्टेट, कि इधर लोकेशन बहुत अफेक्ट करती है। अगर तुम साउथ अगर तुम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो तो टेम्परेचर अलग, सदर्न में हो तो टेम्परेचर अलग। जनरली देखा जाता है कि जैसे तुम धीरे धीरे साउथ टू नॉर्थ की तरफ जाते हो, टेम्परेचर तुम्हारा राइज होता रहेगा। मतलब कि यार तुम देखो केरला में, बेंगलुरु में सर्दी पड़ती है नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत कम, मुंबई तुम देखा होगा, मुंबई का वेदर तुमने गए हो गए तो बारिश होती है, मैं नहीं कह बारिश नहीं होगी, वो हम पढ़ेंगे आगे वेदर, लेकिन ठंड नहीं होती, बारिश होती है लेकिन ठंड नहीं होती, बात अलग है, ठीक है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे, जैसे तुम ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती रहेगी, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, और कश्मीर वगैरह में तुम देखोगे, लद्दाख वगैरह में तुम देखोगे ठंड ही ठंड है भाई साहब, बहुत ठंड, ठीक है। तो वही चीज़ जैसे जैसे ऊपर जाते हो ठंड बढ़ती है। उसके बाद अगला फैक्टर आता है तुम्हारा हिमालयस। अब हिमालयस कहाँ है भैया, हिमालयस देखो ये नेपाल अगर हम इधर बनाएं तो हाँ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे हिमालय जो ग्रेट हिमालयन रेंज है, ग्रेट क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा पहाड़ है, ठीक है। ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है यहाँ से निकलती है, ठीक है, जो भी एग्जैक्ट तुम्हारे बुक में होगा एक बार तुम चेकआउट कर लेना, बट कुछ अराउंड ये भी इफेक्ट करती है। अब कैसे करती है यार, देखो अगर यहाँ से ना जो सी, यहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, इंडिया अभी एक डेजर्ट होता, ठीक है, अगर यहाँ पे जो पहाड़ हैं वो ना होते, अगर यहाँ पे पहाड़ ना होते तो ये जो हवा है ठंडी ठंडी हवा वो सारा यहाँ पे आ जाती, ठीक है, साइबेरिया वगैरह से आती है, और इंडिया एक ओशन कह दिया, डेजर्ट होता, ठंडा डेजर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हिमालय ने काफ़ी मदद करी। अब हिमालय से एक और चीज़ होती है कि यहाँ से अभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे यहाँ से विंड्स जा रही हैं, यहाँ पे हिमालय पर टकराएंगी और सारा पानी अपना शेड कर देंगी, यहाँ पे बारिश होगी। अगर ये ना होती तो
हवा आगे चली जाती, बारिश होती नहीं इंडिया में, इसलिए डेजर्ट। और ठंडा क्यों? क्योंकि उधर से बहुत ठंडी हवा आती, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद ऑल्टीट्यूड, अब इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं कि जितना मतलब शिमला ऊंचा है वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जो नॉर्मल प्लेन एरियाज़ हैं मध्य प्रदेश वगैरह वहाँ पे इतने पहाड़ नहीं है, तो वो नीचे है। पंजाब है जैसे वो फ्लैट टाइप है, तो ऐसे अलग अलग ऑल्टीट्यूड से फ़र्क पड़ता है। जैसे हर एक डिग्री, ठीक है, फ़र्क पड़ जाता है, एक डिग्री फ़र्क पड़ जाता है 166 मीटर हाइट पर होने से। अगर मैं कोई यहाँ पे हूँ, ये मेरे एरिया की हाइट है लेट्स 1000, तो उस पर जितना टेम्परेचर होगा, एक्स टेम्परेचर होगा, तो मेरे मतलब 1000 पे हूँ मैं, तो 1166 मीटर पे, अभी मैं 1000 पे हूँ, 1160 पे मेरा एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ कुछ होती है। इसके बाद आता है तुम्हारा, हो गया, हाँ, अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सी मतलब ये सी है यहाँ पे इंडियन ओशन, ठीक है, और इधर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इधर होते हैं आई गेस, और जो लक्षद्वीप है वो कुछ यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हें टेम्परेचर, अब जो ये एरिया होगा ना, ये एरिया यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, 25-26, 25-26, 30 सर्दियों में ज़्यादा से कम 20, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 30, इनके बीच में रहेगा टेम्परेचर। मैं ये नहीं कह रहा हर जगह यही है, कुछ समझो, ठीक है, मेन चीज़। यहाँ पे तुम देखोगे, पंजाब में तुम देखोगे, तुम बिल्कुल ऊपर यूपी वगैरह में देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर वगैरह में देखोगे, यहाँ पे पहाड़ है पर यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। हमने क्या कहा, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस कम है सी से, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया सी से, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तुम देखो यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ना सर्दी ज़्यादा हो रही है ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो ये भी अफेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट है तुम्हारा जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम्स भी तुमने आई गेस 9th में पढ़ा होगा, जेट स्ट्रीम्स कुछ नहीं है यार, जो उधर से क्या कहते हैं हवाएं आती हैं, ठीक है, जो तुम्हारे सेंट्रल एशिया से आती हैं हवाएं, हवाएं क्या आती हैं, हवाएं क्या आती हैं, हवाएं बोलना है, हवाएं जिसके, ठीक है, तो ये हवाएं आ रही हैं, ये जेट स्ट्रीम्स हैं। ये क्या है, जेट स्ट्रीम्स है, जेट मतलब स्ट्रीम्स होती हैं, पानी 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 मतलब पानी लेके आती, पानी मानी 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 मानी, तो थोड़ी बहुत बारिश जो यहाँ आती है वो जेट स्ट्रीम्स की वजह से होती है, और जेट स्ट्रीम्स एक साइक्लोनिक चीज़ भी बनाती है, वो आई डोंट थिंक तुम्हें आएगा, अगर आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, तुम्हारी किताब कहाँ है, किताब कहाँ, हाँ, तो यही चीज़ है मेनली, क्लाइमेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल मानसून टाइप कहा जाता है। क्यों मानसून, क्यों, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी, चार सीजन आएंगे, चार में से जो तीन है वो तो मानसून मानसून की बातें करते रहेंगे, इसलिए ट्रॉपिकल मानसून टाइप। अब एक चीज़ होती है कि यार जो क्लाइमेट जो बिल्कुल यहाँ पे हो इसे कोस्टल बोलते हैं, और जो ऐसे यहाँ पे हो ऐसा ट्रॉपिकल, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारे चार सीजन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया मेनली यही है, उसके बाद तुम्हारा रेनफॉल का आई थोड़ा बहुत है वो याद करने वाला, बट फिर भी मैं समझा दूंगा कैसे करना वगैरह सब। सो दिस इज योर ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, एंड लेट्स स्टार्ट द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। तो अब बात करते हैं जो चार सीजन्स हैं उनके बारे में एक एक करकर। पहला सीजन क्या है, देखो सिंपल है, हॉट ड्राई सीजन। हॉट ड्राई सीजन मतलब यार जब गर्मी है, गर्मी है फिर बारिश होगी, बारिश, देखो सिंपल इसको समझने का, गर्मी है, गर्मी से हम लॉजिक समझेंगे क्यों, बट हवाएं आएंगी इधर, हवाएं क्या आएंगी, इधर को आएंगी, ठीक है, फिर हवाएं जाएंगी वापस उधर, हवाएं जाएंगी वापस उधर, क्यों मैं बताता हूँ, हवाएं जाएंगी वापस उधर, ठीक है जी। उसके बाद जो थोड़ी सी इधर रह जाएंगी हवाएं, या फिर हम उन्हें भी समझेंगे वो क्यों है वहाँ पे, वो इधर से आएंगी, वो इधर से आएंगी, इन्हें बोलेंगे, और पूरे देश में होगी ठंड, इधर थोड़ी सी बारिश होती रहेगी पर पूरे देश में होगी ठंड। ये है चार सीजन, तुम्हारा चैप्टर खत्म होके बाय। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लिखने के लिए हम थोड़ा इसे आराम से समझते हैं, प्यार से समझते हैं, किस आराम से, प्यार से समझते हैं, आराम से, प्यार से समझते हैं। पहला है तुम्हारा हॉट ड्राई सीजन। क्या हॉट, हॉट मतलब गर्मी, हाई गर्मी नहीं, हॉट ड्राई सीजन मतलब कि हॉट होगा, गर्मी बहुत होगी, सिंपल, ड्राई होगा, सूखा होगा, बारिश ज़्यादा नहीं होगी, और सीजन है, ठीक है। ये कब से कब है, मार्च से मई, हमें सिंपल पता है गर्मी कब शुरू होती है, मार्च में शुरू हो जाती है। अभी फेब चल रहा है, जब हमारे तुम्हारे बोर्ड्स जब चल रहे होंगे तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी आ जाएगी, इसी वजह से इतने बच्चे हैं इंडिया में, उसकी वजह से पूरे देश में गर्मी आ जाती है, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो जस्ट हो गई, तो वहाँ से तुम्हारे मार्च से गर्मी शुरू हो जाएगी, मई तक चलेगी। अब तो कहोगे उसके बाद ठंड आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, दैट्स वेरी रॉन्ग। ये थोड़ी कहा कि गर्मी खत्म हो जाएगी, ये सीजन का नाम खत्म हो जाएगा ना, अगला सीजन शुरू हो जाएगा उसमें भी गर्मी होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कंडीशंस क्या है। देखो टेम्परेचर कंडीशंस कुछ नहीं है, सीधा सा फैक्ट है कि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब कि ऑब्वियसली गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे इस टाइम पे शुरू होने लग जाएगा वो जो 35 डिग्री 40 डिग्री 42 44 46 48 50, वहाँ तक पहुँचने का ये टेम्परेचर कंडीशंस होने लग जाएंगी। दूसरा है प्रेशर कंडीशंस। प्रेशर क्या होता है यार, प्रेशर
एक तुमने यार मुझे अब एक्सप्लेन करने की ऐसी जरूरत है नहीं, प्रेशर तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, प्रेशर तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जब तुम कैथोड रही है वो वाले एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे होंगे कि जब उसमें प्रेशर कम चाहिए होते हैं तो प्रेशर निकालते हैं वो नीचे वाले ट्यूब से, ट्यूब से याद आ रहा है कुछ कुछ याद आ रहा है कि सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना, इतना तो पता होगा। फिजिक्स में भी प्रेशर इज़ अ बिग बिग थिंग, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इस मौसम में क्या होगा भैया जी, इस मौसम में क्या होगा, इंडिया में पूरा टेम्परेचर जनरली इंक्रीज करेगा और इसी के साथ प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है। इनका क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब सिंपल बताएं, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा एक बढ़ेगा, ठीक है जी। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होता रहेगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होता रहेगा, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना टेम्परेचर कम होगा, ये सर्दियों में होगा, प्रेशर जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम, ठीक है जी। अभी हमें इतना पता कि जो इंडिया पे है प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे ये फॉलो होंगी गर्मियों में इस मौसम में। अब क्या है जो पूरी आसपास है ना, यहाँ पे अरेबियन सी लिखा था ना मैंने, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, यहाँ पे क्या होगा कि अब क्यों ये हो रहा है, तुम कहोगे टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है भाई वो, उसका जवाब ये है कि ये जो यहाँ पे है ना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके डायरेक्टली ऊपर आ जाता है सन, इस टाइम पे जो सन की पोजीशन है वो डायरेक्टली, ये तो इमेजिनरी लाइन है, कोई असली लाइन तो है नहीं, ये क्यों बनाई है, क्योंकि इसी वजह से कि गर्मियों में क्या होता है कि जो सन है वो इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, ऐसा नहीं कि इंडिया में आ जाता है, ऊपर आ जाता है, मतलब डायरेक्ट इसकी रेस इसमें पड़ती है, इसलिए गर्मी आ जाती है। अब सन का तो मैं तुम्हें रीजन बता नहीं सकता क्यों गर्म होता है, ठीक है। तो सन की रेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सीधा सा फंडा है प्रेशर कम होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें इतना समझ आया। अब सन यहीं पर हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, सन यहाँ पे। अब एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो लैंड है ना वो जो गर्मी है वो जल्दी अब्जॉर्ब करती है, आज 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 वो अब्जॉर्ब करती है। रेत जल्दी गर्म होती है तुम्हें पता होगा, ठीक है, विद ग्रुप में बहुत गर्म हो जाती है। पानी ऑन द अदर हैंड इतना जल्दी अब्जॉर्ब नहीं कर पाता हीट को और कुछ रिफ्लेक्ट भी कर देता है, तो पानी इतना गर्म नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगर ये इतना गर्म नहीं होगा आसपास का पानी, तो मतलब क्या है, इसका टेम्परेचर लो रहेगा, मैं नहीं कह रहा कि ठंडा होता रहेगा बट कंपेरेटिवली तो बहुत कम होगा ना, क्योंकि वो नहीं अब्जॉर्ब कर पाता इतनी जल्दी। अगर ये टेम्परेचर लो है ठीक है, कंपेयर इन कंपैरिजन, तो इसका जो प्रेशर है वो कंपैरिजन में हाई होगा। तो ये क्या हो रहा है, गर्मियों में क्या चीज़ हो रही है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, उधर पानी में, ये सिर्फ इधर की बात नहीं है, पूरे पानी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरा आसपास जो इंडिया के पानी है, टेम्परेचर कम है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है जी। इतना हमें समझ में आ गया। तीसरा, स्टॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन। इसका क्या मतलब है कि भैया जी जो स्टॉर्म्स हैं, यहाँ पे तुमने देखा होगा थंडर स्टॉर्म्स आ जाती हैं कहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश थोड़ी होती है बट ऐसे तूफान वगैरह वाली चीज़ें आती हैं। वो क्यों आती है, क्योंकि एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हमने पढ़ा, उधर से आ रही है, उधर से आ रही है, उससे एक रीज़न होता है, ठीक है, और साइक्लोनिक होती है तो, और कुछ इनवर्ड ही होती है, एक तो आई बाहर से, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं सेंट्रल एशिया वगैरह से, यहाँ से अग्गे से आ रही है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ के कुछ यहीं से इंडिया में ओरिजिनेट हो रही है, एक तो काली वैसाखी, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ से ओरिजिनेट होती है और धीरे धीरे इधर नॉर्थ वेस्टर्स भी बोलते हैं, क्या नॉर्थ वेस्टर्स, तो वो उधर को आ रही होती है धीरे धीरे, थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे यहाँ पे आ रही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती इसलिए इसको इतना नहीं कहते, लेकिन ये होती हैं एंड इट इम्पैक्ट्स। उसके बाद आती है लूलू इज़ अ हॉट, ये काली वैसाखी फिर थोड़ी बारिश कर देगी, वैसे नहीं करेगी बहुत कम बट रेयरली बट कर देगी। लू तो भाई कतई बहुत हॉट ड्राई विंड होती है जो इस एरिया में चलेगी, सेंटर में, तो मुझे मार्कर नया लेना पड़ेगा, पड़ा है कहाँ है मुझे पता नहीं। मैंगो शावर्स थोड़ा नीचे की साइड होंगे, अब ये काम भी आते हैं मैंगो शावर्स, इनको क्यों बोलते हैं, सिंपल रीजन क्योंकि उस टाइम पे मैंगो उग रहे होते हैं और ये बारिश हेल्प करती है मैंगो को उगाने में, ठीक है, इरीगेशन चाहिए होती है ना तो ये प्रोवाइड करती है तमिलनाडु वगैरह वाली जगह पे, ठीक है। लू गर्म हवा, मैंगो शावर्स मैंगो के लिए होते हैं और काली बैसाखी इधर होती है, इधर असम वगैरह में जो चाय वगैरह बन रही होती है उन्हें चाहिए होता है। आगे हम वैसे तो तुम पढ़ोगे एग्रीकल्चर वगैरह में पूरा कितनी बारिश चाहिए कितना नहीं चाहिए, बट बेसिक इतना समझ लो ये हेल्प करती है उन्हें, ठीक है। अब हमने इतना पढ़ लिया, अब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो इस सीज़न को यादगार बनाते हैं, पढ़ने लायक बनाते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। वेदर एक तो ड्राई होगा, क्या वेदर एक तो ड्राई होगा, हॉट ड्राई वेदर हमें पता लग रहा है, क्यों ड्राई होगा क्योंकि सन डायरेक्टली यहाँ पे है तो इसलिए, ठीक है। एक्सेस हीट, बहुत गर्मी होगी, उसका रीजन तुम्हें पता है, सन जो है वो डायरेक्टली ओवर द TOC ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं बता चुका हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हमें पता लग रहा है, क्या टेम्परेचर जो ओवरऑल इंडिया का टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज ही हो रहा है ना, कुछ रीजन का तुम मना कर दो, और जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो वेरी करेगी बहुत ज़्यादा। तुम कहोगे रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है,
रेंज ऑफ टेम्परेचर ये होता है कि कितना कोई पर्टिकुलर टाइम हम अगर हम ले उसमें कितना वेदर में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में सॉरी चेंज आ रहा है। मतलब अगर मैं आज एक दिन की बात करूँ मेरे एरिया में, तो यहाँ पे क्या है कि सुबह अगर मैं देखूँ तो जब मैं उठा तो 17 डिग्री 18 डिग्री, ठीक है, रात को था 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक चला गया, और दिन में 35 डिग्री तक, तो 25 का फर्क है ना, ये 25 रेंज है, 25 का फर्क है, 25 रेंज है। वैसे ही अगर मैं मुंबई वगैरह की यहीं बात करूँ, वहाँ पर रात को 20 हो जाएगा और दिन में 25 26 28 हो जाएगा, वहाँ पर 7 8 डिग्री का फर्क है। तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत वेरी करती है, ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब इस सीजन में एरिया टू एरिया। उसके बाद थंडरस्टॉर्म्स होंगे काफ़ी कॉमन, जो मैं बता चुका हूँ थंडरस्टॉर्म्स काफ़ी कॉमन होंगे, या स्पेशली इस एरिया में थंडरस्टॉर्म्स काफ़ी आ सकते हैं, आने जाने की प्रोबेबिलिटी है। ये था तुम्हारा हॉट ड्राई सीजन, मार्च से शुरू होता है मई में चलता है, मार्च से शुरू होता है मई में चलता है। अभी गर्मी आने वाली है ना, तो वो ये सीजन आएगा हॉट ड्राई सीजन। अब तुम कहोगे क्या ये खत्म हो गया, ये मई के बिल्कुल एंड में खत्म हो जाता है, नहीं, बट इससे क्या है एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब कोई जगह पे टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा और इधर प्रेशर कम है, ठीक है, जो विंड है इट ऑलवेज फ्लोज, विंड कह लो उसे, एयर कह लो या कुछ भी, इट फ्लोज फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू अ लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हमने 7th 8th में पढ़ रखा है, याद नहीं होगा बट पढ़ा हुआ है, ठीक है, मुझे भी याद नहीं था, मैंने यार तुम्हारी बुक खोली मुझे फिर याद आ गया, मैं क्या हाँ यार ऐसा तो होता था, ठीक है, पढ़ा तो हुआ था मतलब कभी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में फ्लो करेगी। अब तुम कहोगे कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, ये नहीं दिमाग में रखना कि कहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हर बार पानी में ही मतलब लो प्रेशर हाई प्रेशर होगा, ये चेंज हो जाएगा सीजन टू सीजन, हम सिर्फ एक सीजन की बात कर रहे हैं। सो दिस वॉज योर हॉट ड्राई सीजन। तो अब हमने ज्योग्राफी की मेन चीज पढ़नी है, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट सिंपल। सेकेंड क्या है, रेनी सीजन, क्या पहले गर्मी थी उसके बाद बारिश आएगी, क्या गर्मी थी बारिश आएगी, क्यों आएगी, लॉजिक है, रेनी सीजन, ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, बारिश आएगी, मॉनसून पता लग रहा है जी हमें, बारिश है आसान भाषा में, लेकिन साउथ वेस्ट क्यों लिखा है, क्या साउथ वेस्ट क्यों है, सिंपल रीजन इज के जहां से जो विंड्स हैं वो आती हैं, ठीक है, चलनी शुरू होती हैं हम बोले, या फिर जिधर से आ रही हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, मतलब उस एरिया को, उस डायरेक्शन को हम विंड का नाम दे देंगे। क्या मतलब कि अगर विंड आ रही है नॉर्थ से, चाहे साउथ में जा रही है चाहे ईस्ट में जा रही है, हम उसे बोलेंगे नॉर्थ, नॉर्थ विंड, ठीक है, हाँ वो थोड़ा जो सब डायरेक्शन है वो भी बीच में डाल के बोलेंगे, जैसे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मतलब हमने पढ़ा है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, क्या साउथ वेस्ट, तो ये जो साउथ वेस्ट है, ठीक है, यहां से विंड आ रही है, इधर को जा नहीं रही, ठीक है, तो इधर से विंड आएंगी, ठीक है, इधर से विंड आएंगी, हम ऐसे पढ़ते हैं। अब तुम कहोगे भैया इधर से आएंगी, तो चलो यार वो बार बार कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वो घूम के जाती है विंड, पहले उधर को जा रही होती है, एनीवेज, ठीक है, अब हम रेनी सीजन और साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पिछला सीजन था वो था मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई नहीं, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, उसके बाद कौन से आते हैं, जून, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त में ही चलेगा, सितंबर की स्टार्टिंग में तो खत्म होएगा, जुलाई एंड तक, सॉरी अगस्त एंड तक तुम लगा लोगे। तो इसमें है क्या, सिंपल पहले तो मॉनसून को समझ लो, मॉनसून मौसम एक वर्ड से ही आया है जो अरेबिक लोग यूज करते थे, इंडिया के ही अरेबियन सी वगैरह के, ये जो विंड का आना जाना है उसे, मौसम मॉनसून का मतलब है ऐसा नहीं कि बारिश, नहीं, मौसम मॉनसून का मतलब है कि विंड्स जो हैं, ऐसी विंड्स जो पीरियोडिक हैं, पीरियोडिक है मतलब कि एक सीजन में आती हैं अगले सीजन में वापस चली जाती हैं, जिधर से आई उधर ही चलेगी, जिधर से आई उधर ही चलेगी, अगले में हम पढ़ेंगे वापस जाएंगी, अगला है रिट्रीटिंग, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट, तो अभी आ रही हैं, हम पहले उन्हें समझ लेते हैं आराम से, ठीक है, तो मौसम का मतलब तुम समझ गए, ठीक है, इधर से विंड्स आएंगी। अब क्या है ओरिजन, ओरिजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ओरिजन क्या चीज़ है, कहाँ से विंड्स आ रही हैं, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि भैया इतनी गर्मी होने की वजह से जो सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत एक मतलब प्रेशर का डिप्रेशन आ जाएगा, प्रेशर का डिप्रेशन मतलब प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर बहुत कम कहाँ से कहाँ होगा, वैसे तो पूरे इंडिया में होगा मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो हम यहाँ से मानेंगे कि यहाँ पे जो थार डेजर्ट है यहाँ से लेके जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है, तो जो विंड्स हैं वो अट्रैक्ट यहाँ की तरफ होंगी, यहाँ की तरफ आना चाहती हैं वो, यहाँ पे आते आते सारी जगह यहाँ पे बारिश हो जाएगी, मेन जगह क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन द सेंस मतलब प्रेशर कम होगा, ठीक है जी। अब हमें ये पता था पिछले में, हमने ये समझ लिया ये दो चीज़ें कि इधर प्रेशर कम है इधर प्रेशर ज़्यादा है, सिंपल। अब अगर इधर प्रेशर कम है इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो मैंने ये भी समझाया था कि हाई से लो आएगी, हाई से लो, हाई से लो, तो ये जो पूरा है यहाँ पे भी प्रेशर ज़्यादा ही है ना, हमने पढ़ा था पूरे वाटर बॉडीज़ में, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या है,
मोर है, प्रेशर जब मोर होता है तो विंड्स फ्लो करती हैं। इतना फर्क कंट्रास्ट आ जाएगा ये 2 महीने में, 2.5 महीने में, इतना कम यहाँ पे होगा प्रेशर, इतना ज़्यादा यहाँ पे होगा, तो जो विंड्स हैं वो यहाँ पे ऐसे आने लग जाएंगी, यहाँ पे आने लग जाएंगी, ठीक है जी, यहाँ से खींची चली आएंगी। अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो, सक्सेसफुल नहीं, अपने आप को इतना चार्मिंग बना लो ऐसा कि लोग खींचे चले आए, कोई भी जेंडर ऐसा नहीं है, खींचे चले आए, नॉट इन अ सेक्शुअल वे, मैं वो नहीं कह रहा, बट खींचे चले आए, लाइक तुम्हारे ऑरा में लोग रहना चाहें, तुम्हारी सर बातें सुनना चाहें ये वो, ठीक है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है बीच बीच में। एनीवेज ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे खींचे चले आ रही हैं विंड्स, अब खींचे चले आ रही हैं, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, क्या, क्योंकि इंडिया का पेनिनसुला ऐसा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसे है, तो यहाँ पे जो विंड्स आ रही हैं डिवाइड हो जाएंगी, एक आ जाएंगी इधर को, ठीक है, एक इधर को चली जाएंगी, एक इधर को चली जाएंगी, इधर जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं इनको इम्पैक्ट भी करेंगी, और इधर जो वेस्ट बंगाल वगैरह है इधर भी आएंगी, ठीक है जी, इधर क्या है बे ऑफ बंगाल, तो इधर क्या था अरेबियन सी और इधर इंडियन ओशन, ठीक है, हम इतना समझ गए, हम समझदार लोग हैं। अब 2 ब्रांचेस निकल रही हैं अरेबियन सी, पहले अरेबियन सी के बारे में बढ़ते हैं, ये मोर पावरफुल होती है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच लेस पावरफुल होती है, तुम कहोगे क्यों, इधर ज़्यादा पानी है उधर कम पानी है, ये भी मान लो, लेकिन इधर ज़्यादा आएंगी, इधर से थोड़ी सी निकलेगी ना, मेन तो इधर से आ रही है, तो मेन इधर ही आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आधी आधी डिवाइड होगी, 50-50 किसने का, मेजॉरिटी इधर आई है, थोड़ी उधर भी गई है, ठीक है, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। पहले अरेबियन सी के बारे में पढ़ते हैं, पहला तो ये ओरोग्राफिक है, मतलब ये जो बारिश कराएंगी ओरोग्राफिक होंगी, तुम्हारी बुक में लिखा होगा, ओरोग्राफिक का मतलब क्या होता है कि ये पहाड़ से टकरा के बारिश कराती हैं, ये जो बारिशें हैं, ये पूरा साउथ वेस्ट मानसून है पूरा, ये क्या है ओरोग्राफिक, मतलब कि कोई पहाड़ आएगा इनके सामने, ठीक है, और इनमें पानी होगा विद अ गिवन कंडीशन, ये टकराएंगी और यहाँ पे बारिश करा देंगी, जैसे कि अब हम समझते हैं केरला में पहले आएंगी, ये केरला में एंटर करेंगी, यहाँ पे बारिश होएगी, अब यहाँ पे ना एक होता है वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट यहाँ पे तुम्हारा है रेन शेड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, जो इस साइड है इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, जो उसको ये साइड है इसको बोलेंगे लीवर्ड साइड, ये घाट मतलब तुम लगा लो पहाड़, पहाड़ नहीं होते एग्जैक्टली बट हाई ऑल्टीट्यूड तुम मान सकते हो, ठीक है, तो ये क्या है हाई ऑल्टीट्यूड, अब इधर से विंड आएंगी इधर टकराएंगी, तो क्या होगा बारिश हो जाएंगी, इधर से विंड आएंगी इन पर टकराएंगी बारिश हो जाएंगी, अपना पानी छोड़ जाएंगी, तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी, अब इधर बारिश सारी हो गई, उधर जो विंड गई वैसे तो कम गई क्योंकि यहाँ पे रुक गई, और ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा पानी यहाँ पे खत्म हो गया फिर तो आगे कहीं आएगी नहीं, तो ऐसे ऐसे चलेगी, इस साइड पर कम आई, क्यों कम आई, क्योंकि इन्होंने रोक ली पहले तो, और जो विंड पहुंची भी उनका पानी आधा यहाँ पे शेड हो गया था, और इतना ज़्यादा वो फोर्सेस नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा डिप्रेशन तो यहाँ पे है ना, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हुई ज़्यादा, ठीक है जी, तो यहाँ पे कम बारिश होती है इस एरिया में, हमने ये भी पढ़ लिया, इसको जो जहाँ पे बारिश होएगी वो विंडवर्ड साइड, जहाँ पे नहीं होगी जो रह गई है बेचारी जो तरस गई है वो लीवर्ड साइड, उधर भी आएगा अभी कोई दिक्कत नहीं। अरावली हिल्स पैरेलल एंड लो, इसका क्या मेन पॉइंट है कि यहाँ पे जो राजस्थान है तुम्हारा, राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती, ठीक है, इस एरिया में बारिश इतनी क्यों नहीं करा पाती ये विंड, क्योंकि ये विंड जैसे आ रही हैं, मैंने क्या कहा कि ऐसे टकराना चाहिए, ठीक है, इसको क्या हो रहा पड़ेगा तुम्हें, इसे क्या बोलते हैं, अच्छा परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, जब ऐसे आएंगी तो बारिश हो जाएगी, ऐसे आएगी हु बारिश, लेकिन अगर मैं ऐसे हूँ, ठीक है, मेरी विंड ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे निकल गई, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो इसलिए अरावली हिल्स से बारिश नहीं करा पाती बेचारी, क्योंकि यहाँ पर जो है अरावली हिल्स, ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या है अरावली हिल्स जो है वो उन विंड की ही डायरेक्शन में है, ऐसे उनके बीच में से निकल जाएगी, ठीक है, ये है पहाड़, इनके बीच में से ऐसे निकल गई, और दूसरा भी है कि अरावली हिल्स इतनी हाई भी नहीं है, लो है काफ़ी, ठीक है, तो जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है वो इतनी नीचे है कि विंड को रोक ही नहीं पाती बेचारी, अरावली हिल्स बहुत ऊँची नहीं है इसलिए, और अरावली हिल्स उसी डायरेक्शन में है, पैरेलल चलती हैं, ठीक है जी, हमें ये भी समझ में आ गया, यही है तुम्हारा अरेबियन सी, ठीक है, इसको थोड़ा और ध्यान से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है जी, स्टार्टिंग में सितंबर के थोड़ा केरला वगैरह में शुरू होएंगी, उसके बाद जैसे जैसे स्टेट्स आगे बढ़ती रहेंगी उनके बारे में लिखते रहोगे, अच्छा फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, एग्जैक्ट डेट तो मैं कोई याद करने को नहीं कह रहा, बिकॉज वो हर साल वैसी बदल जाती है, ठीक है, तो तुम्हें याद करने को कह दिया उधर से, उस साल बदल गई तो क्या हो जाएगा बोर्ड, ठीक है, जब तक तुम बोर्ड दोगे तब तक बारिश तो नहीं होगी, खैर पर शुरू तो हो जाएगा ना वो फर्स्ट वाला सीजन, इसका फर्स्ट साइकिल, तो ऐसा कोई तुम्हें डायरेक्ट डेट नहीं पूछेगा कि अच्छा इस स्टेट में बारिश कब होगी, नहीं, वो पूछेगा इस स्टेट में बारिश कौन सा ब्रांच करवाएगी,
या फिर रिट्रीटिंग कराएगी या ये वाली कराएगी, ठीक है, हमें इतना पता लग गया। बे ऑफ बंगाल बैंक के बारे में बढ़ते हैं, जो इधर गई है ये अंडमान निकोबार में कराएगी आइलैंड्स में, उसके बाद मॉइस्चर बीओबी से कनेक्ट करेगी। बीओबी क्या है, बॉब क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कनेक्ट करके ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ठीक है, इधर इतनी नहीं, धीरे धीरे ऐसे 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 ये जो सेवन सिस्टर्स वगैरह हैं इधर काफ़ी आ गई, बाकी जो उधर जो कंट्रीज हैं म्यांमार है ना इधर आई गेस, हाँ तो उस साइड पे चली जाएगी, ठीक है। अब गारो खासी और जयंती, ये तो हमने नाइन्थ में भी काफ़ी पढ़ी होगी, ये तीन जो हिल्स हैं ये यहाँ पे है, ठीक है, गारो खासी और जयंती। अब ये क्या है, ये हिल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उधर की। तो अगली है मायसेनराम, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, मायसेनराम इज द हाईएस्ट, ठीक है, जहाँ पे बारिश होती है, और शिलोंग में बहुत कम होती है, क्योंकि वो जैसे मायसेनराम में बारिश हो गई वहाँ पे एक तो पानी उधर तक गया नहीं, और उधर ना ऐसे जो तुम्हारे गारो खासी हिल्स हैं वो रोक लेते हैं वहाँ पर बारिश होने में, सो एक चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जनरल नॉलेज वन मार्क कर। उसके बाद मर्जेस विद अरेबियन ब्रांच, अब ये क्या होता है यार, यहाँ से ये जाती जाती ना, एक तो इधर जो हिमालयन रेंज है ये इसे रोक लेंगी, थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पे टकराने के बाद हो जाएगी, पर इतना ज़्यादा इनमें पानी नहीं होगा कि टकराने के बाद पूरा सब बरस जाए, तो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इधर कम आई थी उधर ज़्यादा आई थी, तो ये जो इधर से अब देखो इधर वाली ब्रांच ऐसा नहीं कि पूरी ख़त्म ही होगी, पंजाब वगैरह में आई सब आई, तो ये अब यहाँ पे है और ये इधर आ रही है, ये इधर मर्ज हो जाएंगी, इधर मर्ज हो जाएंगी, ठीक है जी। बेसिकली ये था तुम्हारा रेनी सीजन या फिर साउथ वेस्ट मानसून, क्यों, क्योंकि ये साउथ से ओरिजिनेट होती हैं, साउथ वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे जाती हैं। दिस वॉज, अरे मैं आपका क्या बना दिया मैंने। अब जो थर्ड सीजन आता है वो आता है हमारे जी रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, अब ये मैंने कहा यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है, अरेबियन सी और वो वापस मिल गई आके यहाँ पे, अब वो कहती क्या करें हम बैठे बैठे, क्या करें क्या करें क्या करें, वापस चलें, वो कहते हैं हम वापस चलते हैं, अब हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं रह गया तो वापस चलते हैं, ठीक है। तो रिट्रीटिंग मतलब वापस जाने वाली साउथ वेस्ट मानसून, तुम कहोगे ये तो वहाँ से शुरू हुई, नहीं, हवा तो यही है ना, यहाँ से शुरू हुई वहाँ गई, वो वापस आ रही है, रिट्रीटिंग लिख दिया सामने, तो वही चीज़ वही बन गई, ये अक्टूबर से, क्योंकि वो सेप्टेम्बर तक थी, ठीक है, सेप्टेम्बर, और ये अक्टूबर में शुरू होगी, नवंबर चलेगी, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ तो ये स्लोअर प्रोसेस है, उतना तेज नहीं है कि जी धड़ बारिश एक बार यहाँ पे आ गई केरला में तो फिर होने लगी, नहीं, आराम आराम से वापस आएगी, इसलिए कोई जल्दी नहीं है इसे, अब तो कहती फ्री है अगले साल तक, आराम से करते हैं जल्दी क्या, ठीक है। सो पहला क्या है, मुझे अपनी राइटिंग नहीं समझ आती, अच्छा, सन मूव्स टुवर्ड साउथ, सन मूव टुवर्ड साउथ मतलब जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ ये 23 एंड हाफ लिखते हैं, वैसे इस डिग्री पे जो आया था यहाँ पे सन, ठीक है, आया था मतलब इसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट था, डायरेक्ट सनलाइट, तभी इतनी क्या थी, तभी इतना टेम्परेचर ज़्यादा था, तभी इतना प्रेशर कम था, वो सन ना नीचे जाने लग गया, नीचे मतलब इक्वेटर की तरफ जाने चल जाता है, इस टाइम पे इक्वेटर की तरफ जाने चल जाता है, अर्थ टिल्ट होती है, वैसे तो अर्थ घूमती है पर हम मानते हैं कि सन जा रहा है, एनीवेज, ठीक है। तो ये क्या कि सन मूव्स टुवर्ड सन जो साउथ, सॉरी, जो सन जो है वो नीचे जाने लग गया, साउथ की तरफ जाने लग जाता है सन, तो यहाँ से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, क्या टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने से प्रेशर भी, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, हाँ, टेम्परेचर कम होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्या मतलब, यहाँ से अब टेम्परेचर कम हो रहा है, सन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा था ना, सन नीचे चला गया थोड़ा, तो टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम हो गया, जो पहले 50 डिग्री तक था वो 40-30 आने लग गया, तो यहाँ पर टेम्परेचर जब कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब टेम्परेचर कम हो गया प्रेशर ज़्यादा हो गया है, कंपेरेटिवली अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है अब और प्रेशर कम है, क्योंकि साउथ की तरफ एक तो सन चला गया तो, और पानी ज़्यादा साउथ में है, और जो यहाँ पे है अर्थ से कम हो गया, तो कंपैरिजन में हम देखते हैं। उसके बाद अब ये क्या है, ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड बोलते हैं इसे, गर्मियों से बारिशों से ठंड का ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं इसे, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, वही मैंने कहा कि यहाँ पे प्रेशर अब ज़्यादा हो गया, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इसको बेसिकली हम कह देते हैं डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन नहीं आ गया, इन द सेंस वो हो गया। अक्टूबर हीट, अक्टूबर हीट इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इस मौसम के बाद ना फिर गर्मी हो जाती है, तुम देखोगे ना काफ़ी चिपचिपी, चिपचिपी नहीं, हाँ मतलब चिपचिपी बोल सकते हो, और काफ़ी ऐसे ना ऐसे वाली वाली गर्मी है, ऐसे ऐसे वाली गर्मी हो जाती है, बाल ना खराब हो जाए, ठीक है, तो ये वाली गर्मी अक्टूबर में हो जाती है बारिशों के बाद, तो वो चीज़ होती है। अब फीचर्स क्या है इसके, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बारिश है, अब ये जो हवा वापस आ रही है इसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो ये कहीं कहीं बारिश कराएगी, कहीं कहीं कराएगी, ज़्यादा हर जगह नहीं कराएगी, तो ये जो कहीं कहीं बारिश हो रही है ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, कहीं भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में वापस जैसे आई थी पूरे सिस्टमेटिकली वैसे जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, ये इधर इधर से मोस्टली चली जाती है, उनको इधर इधर से क्यों चली जाती है, इधर जो डेक्कन प्लेटू है ये इधर आने नहीं देता इस हवा को, सिंपल रीज़न ऐसा होता है, ठीक है, इराटिक नेचर, इसलिए इधर इस साइड पर इतनी बारिश नहीं होती, इसी साइड पर कराती है बारिश, इराटिक नेचर, इराटिक नेचर मतलब यहाँ कई जगह तो बाढ़ ले आती है ये वाली बारिश, कई जगह पर सूखा पड़ जाता है इसके बाद, ठीक है, कई जगह पे सूखा पड़ जाता है, कई जगह पे बारिश रहती है, इरेटिक नेचर है इसका, ओरोग्राफी से बहुत रिलेटेड है, जहाँ पे अब देखो इधर से वापस आते आते इधर जो ईस्टर्न घाट है इसकी वजह से इधर को बारिश हो जाती है, ईस्टर्न घाट की वजह से इसकी बारिश, ओरोग्राफी वही कि माउंटेन्स पे लग के बारिश होना, माउंटेन से रिलेटेड, माउंटेन की वजह से बारिश होना, ठीक है, तो उसे हम ओरोग्राफी बोलते हैं। ये था तुम्हारा थर्ड, अब हम पढ़ते हैं फाइनल वाला सीजन।
अभी मैंने जो पहले पॉइंट्स बताए वो दोनों पे अप्लाई होते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो मॉनसून एक ही था तो इसलिए उस पर अप्लाई दोनों पे होते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि जी रिट्रीटिंग, बट रिट्रीटिंग दोनों वो साउथ वेस्ट मानसून की बात थी। अब हम बात करेंगे क्या नॉर्थ ईस्ट मानसून या फिर कोल्ड सीजन, मेनली कोल्ड सीजन बट साथ में थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में भी है, ठीक है। दिसंबर टू मार्च ये चलते हैं। अब देखो ये जो मानसून था ये तो वापस चला गया, ठीक है, पर ये जो प्रेशर कंडीशन डेवलप करके गया है जो सूरज ने किया वैसे तो, लेकिन ये इस पर थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ना। अब क्या है, इधर होगी ठंड, टेम्परेचर कम हुआ, पहला तो पॉइंट तुम यही लगे दो, टेम्परेचर कम हुआ तो ठंड हो गई। अब हर जगह ऐसा हुआ नहीं, देखो नॉर्थ में बहुत ज्यादा ठंड होगी, नॉर्थ मतलब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं अपने टीओसी के ऊपर। टीओसी के ऊपर क्या होगा कि पहले तो नॉर्थ में काफ़ी ठंड हो जाएगी, काफ़ी ठंड हो जाएगी मतलब टेम्परेचर वेरी करने लगेगा बहुत, जैसे मैंने कहा था सर्दियों में होता है जैसे तुम्हें पता ही है, ठीक है, -20-30 डिग्री तक कई जगह पे, बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया में स्नोफॉल भी हो जाएगी, स्नोफॉल की वजह से और ठंड आएगी पूरे इस एरिया में, पंजाब एंड ऑल एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ में, साउथ में इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, साउथ में क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी है, कोस्टल जो वेदर है, कोस्टल वेदर में ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, सी ब्रीज लैंड ब्रीज से ऑलमोस्ट वो सेम हो जाता है, ठीक है, 20-30 इतना रहता है तो वो हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी बुक में भी यही सब है या आई गेस हाँ ज़्यादा डिटेल्ड में है ही नहीं, ठीक है। प्रेशर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, प्रेशर कंडीशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, प्रेशर जो लैंड पे इंक्रीज हो जाएगा और कंपैरेटिवली यहाँ पे जो तुम्हारी एक मिनट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्या यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जब कंडीशन ये बन गई तो क्या होगा, अब देखो एक तो थी ये विंड वापस चलेगी, एक यहाँ पे जो विंड थी ओरिजिनल ये तो थी कि जो आई वो चलेगी, लेकिन यहाँ की जो विंड है यहाँ की ये भी तो वापस जाएगी, ये भी तो जाएगी क्योंकि ये टेम्परेचर का फर्क पड़ गया ना, अब कहाँ गया, टेम्परेचर का फर्क उल्टे तरीके से पड़ गया, ठीक है। तो ये की ये चीज़ होती है, विंड डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है, पहले ये थी अब ये हो गई है, ऑब्वियसली बात ये होती है। रेनफॉल की बात करें तो हम यार बारिश जनरली तो नहीं होती पूरे देश में क्योंकि ये अब कोल्ड सीजन आ गया है, वैसे वो रिट्रीट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे जो होती हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्टर्न जो विंड्स होती हैं जो थोड़ी बारिश बारिश वाली होती हैं कम, ठीक है, वो आ जाती हैं बारिश कराने, वो अब इधर नहीं बारिश कराती, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू की वजह से वो यहाँ पे बारिश नहीं करा पाती, लेकिन इधर बारिश करा देती हैं, कोरोमंडल जो इधर हमने कोस्ट वगैरह पड़ी है जो ईस्टर्न घाट वगैरह वाली साइड है, यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश हो जाती है, ऐसे रीजन्स में बारिश पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो इधर वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी वो आने लग जाएंगी इस सीज़न में, शुरू हो जाएंगी जी, ठीक है जी, आने लग गई जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आने लगी। वैसे जनरली वही मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ कायनात मिला के यहाँ पर ठंड करा रही है, कायनात मिला के यहाँ पर ठंड करा रही है। सो दिस वॉज योर चैप्टर क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसके बाद एक और चीज़ है जिसका नाम है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो कि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने भी बोर्ड दिया था, आई नो दैट मच, बट स्टिल अगर तुम्हें फिर भी थोड़ा बहुत बताना हो तो मेरा ये सजेशन है कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हमें जानना कि किस वजह से बारिश का फ़र्क पड़ता है, एक तो हिमालयस की वजह से पड़ता है, उसके बाद ये जो प्रेशर के फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्रेशर से क्या होता है विंड्स आती हैं, तो मेनली विंड से फ़र्क पड़ता है। अब रेनफॉल अगर बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी, तुम सिंपल देख लो बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी, अगर हम नॉर्थ देखें यहाँ से, कहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉर्थ पे देखें तो ज़्यादा बारिश कहाँ पे होगी, ज़्यादा बारिश होगी इधर, कहाँ, ये जो है कि ओवर 200 बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, ठीक है, वो तो यहाँ, तो यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा हिमालयस है यहाँ पे टकरा के बारिश कराएंगे, साउथ ऑफ हिमालयस उधर तो चाइना वगैरह आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा मतलब, ठीक है, तो साउथ ऑफ हिमालयस और इधर गारो खासी जो हिल्स है, हिल्स पे लकी बारिश होती है ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, वहाँ पे होगी। अगर हम बात करें साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे की बात करें तो ज़्यादा बारिश इधर, क्यों, क्योंकि इधर क्या है वेस्टर्न घाट्स वही, वहाँ पे लग के बारिश हो जाएगी। उसके बाद क्या है तुम्हारा 100 से 200, इतना कुछ वो नहीं आता कि भैया 100 से 200 बताओ, ज़्यादा कम आता है कि ज़्यादा कहाँ पे होती, कम कहाँ पे होती है आपके हिसाब से वो बता दो, ठीक है। तो वो तुम लिख दोगे कि मिडल में होती है ये, वो तो वो कहेंगे कम कहाँ होती है, तुम कहोगे इस एरिया में कम होती है, जो तुम्हारा ईस्टर्न राजस्थान है यहाँ पे ठीक ठीक होती है, जो कहेंगे बहुत कम होती है 0 to 50 या जो भी आ गया तुम्हारा, वो कहोगे तुम जो वेस्टर्न तुम्हारा राजस्थान है इस एरिया में, वेस्टर्न राजस्थान में। और देखो सिंपल सा मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंडिया ऐसे बनाएं, ठीक है, दो हेल्प्स में डिवाइड कर दें, अगर तुम नॉर्थ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे इंडिया की, तो यहाँ पे जितना तुम इधर जाओगे, ये जो जितना वेस्ट में जाओगे, ठीक है, जितना वेस्ट में जाओगे उतनी बारिश क्या होगी, कम होगी। इधर साउथ में क्या है,
तुम अगर जितना वेस्ट में जाओगे उतनी बारिश ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा? क्योंकि इधर पानी है, इधर लैंड है, इधर पानी है तो ऑब्वियसली इधर बारिश ज़्यादा होगी, वेस्टर्न घाट के इधर इधर बारिश ज़्यादा होगी उधर से ज़्यादा, लेकिन इधर क्या है, इधर सूखा है, तो इस तरीके फ़र्क पड़ जाता है। इतना वो नहीं आता तुम्हें, बट तुम थोड़ा बहुत इसे कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया हो, समझ आया हो, पसंद तो मतलब क्या ही है, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले चैप्टर, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नीडेड है, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। कोई और सब्जेक्ट का है वो भी बताओ, आई विल डेफिनेटली ट्राई आउट माय बेस्ट। खराब हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड